तो साथियों बवाल हो गया है, दो दोस्त लड़ पड़े हैं, गाड़ी गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो हम अब जम्मू एंड कश्मीर में प्रवेश करने वाले हैं। सुनो तो ये बीवी का भाई के साथ जाए आप बोल देना तो आवाज नहीं निकलेगी। भाई तुम गलत थे, उसने तो लोगों ने कभी बीटेक में डिसाइड किया था कि जम्मू कश्मीर तब जाएंगे जब तक वहाँ पे एक बिहारियों का कॉलोनी जब तक न बस जाए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, एक और टनल में हम प्रवेश करने वाले हैं। ये वजह है कि लोग अपने व्हीकल से कतराते हैं। अब कश्मीर की फीलिंग आनी चालू हो रही है साथियों। चल रहे हैं जम्मू कश्मीर के राजधानी श्रीनगर में। बाकी सारे दोस्त आ रहे हैं, मैं न्यू अशोक नगर में डोमिनोज का मजा ले रहा हूँ। बहुत लड़ाइयों के बाद ये लोग आए हैं, अपना पता नहीं, ये दोनों लड़ रहे थे इसके वजह से एक घंटा लेट हुए हैं। सचिन और ये मयंक बाबू, ये गाड़ी मांग रहा था जाना है। अरे हम तो तुम गाड़ी लाने गए हो, साला सब अलग अलग गुट बना के चल रहे हैं भाई। हाँ मैं तो निरपेक्ष हूँ, गुट निरपेक्ष हूँ, तुम्हारे चक्कर में सब हुआ। 7 बजे आ गए हो तो साथियों बवाल हो गया है, दो दोस्त लड़ पड़े हैं, गाड़ी वो चलाएंगे गाड़ी वो चलाएंगे, मर बहुत स्थिति गड़बड़ है, बहुत सारे ड्रामा हुए हैं। ये सरयू प्राण ब्राह्मीण यानी अशोक नगर नीचे क्या कर रहा है, आजा जल्दी आ। हाँ बात तो सही है, कलेश क्यों करना। हाँ क्यों करना बात, कलेश क्यों करना, क्यों करना। पेट्रोल फुल कराया जा रहा है साथियों यहाँ पे। अभी समय हुआ है 10:51 और हम दिल्ली में ही हैं। बहुत सारे विषय चले हैं, 2 घंटा कौन गाड़ी चलाएगा उस पे अहंकार ईगो वगैरह सब आया है। फिर उसके बाद हम लोग पेट्रोल पंप पे आए हैं। और सुमित कैसा महसूस कर रहे हो? बढ़िया राम चौकास। और पहलवान तुम? अब आगे फिर बढ़ा जा रहा है। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। ये देखिए आजादपुर करनाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो साथियों करनाल के बाद हम चाय पीने के लिए रुके हुए हैं और 1:10 हो रहा है, पीछे काफी सारे कांड हुए हैं। बस बहुत क्या बोला जाए, एक बहुत संक्षेप में बता दे तो एक मित्र छूट गए, मतलब अपने निजी कारणों से। हाँ अपने निजी कारणों से। अब आप इस निजी कारणों का नाम दे दे या ईगो का नाम दे दे, लेकिन ईगो सही शब्द नहीं है, लेकिन निजी कारण आप कह सकते हैं जो कि इंसान बताना नहीं चाहता लेकिन हाँ। निजी कारण होता है। तो फिलहाल अभी चाय का आनंद लिया जा रहा, ठंड अच्छी खासी है, पूरा कोहरा अच्छा खासा है। तो चलिए हम आपसे रास्ते में मिलते हैं। हाँ रास्ते मिलते हैं, चाय का आनंद ले ले। बाहर निकले हैं तो हाँ अच्छा खासा टेम्परेचर आएगा, 12 डिग्री होगा यहाँ पे। क्यों हम कुरुक्षेत्र पहुँच चले हैं और आगे अंबाला की तरफ बढ़ रहे हैं। फिलहाल रात्रि के बज रहे हैं 2:02 और रोड पे कोहरा है। यदि आप कोहरा देखना चाहें ये देखिए, ये तो ट्रक्स वगैरह गाड़ियां चल रही हैं तो थोड़ा सा कम लग रहा है, देखिए कोहरा उड़ उड़ के आ रहा है। और हम अंबाला क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा मोबाइल में आंदो, मोबाइल का लेकिन गैप बना के। क्यों अब हम पंजाब में इंटर करने वाले हैं, अब तक तो अंबाला में थे, यहीं से ही कट आपको मिलेगा मनाली साइड और चंडीगढ़ भी जाने के लिए। तो यहाँ पे हमेशा बैरिकेड लगा रहता है जिसके वजह से थोड़ा सा जाम की स्थिति बनी है। हम तो सीधे निकल जाएंगे लुधियाना के तरफ। हाँ कम हुआ था साथियों, अब 4:10 पर हम पहुँच चले हैं लुधियाना शहर पंजाब। अभी शहर से क्रॉस कर रहे हैं
अब यह यात्रा बढ़ रही है आगे जालंधर की तरफ। अभी गाड़ी चला रहे हैं भैया सुमित जी। सुबह के 5:05 हो रहे हैं और हम जालंधर शहर को क्रॉस कर रहे हैं। ये मतलब 16 किलोमीटर हमको नहीं लगता है कि सूर्यदेव 9-10 बजे से पहले कुछ दिखे उखेंगे। जिस हिसाब से कोहरा दिख रहा भाई। तो साथियों हम मेन रोड से नीचे उतर गए हैं क्योंकि यहाँ से ही पठानकोट का कट है, क्योंकि आप सीधे चले जाएंगे तो अमृतसर चले जाएंगे। तो ये देखिए ऊपर पठानकोट लिखा हुआ है ना, तो अंदर से ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से राइट लेना रहता है। तो ये रहा आपको जब लगभग जालंधर से 10 किलोमीटर तय करने के बाद हमने तय किया कि यहाँ पे थोड़ा विश्राम कर नींद लेते हैं। 5:26 हो गया है। बहुत सावधानी पूर्व इस कोहरे में पीछे भी एक ट्रक है, आगे भी एक ट्रक है, उनका सहारा लेके रोका गया है। हम जा रहे हैं सोने, मिलते हैं अभी पावर नैप लेके लगभग आधा घंटा। क्यों अभी कहाँ पे हैं ये तो नहीं बता पाएंगे, मगर यहाँ से अभी भी जम्मू लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर है और थोड़ा आराम करने रुके हैं, चाय भी पियेंगे। बाकी लोग तो घोड़ा बेच के सो रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए सुमित घोड़ा बेच के सो गए हैं और सचिन तो पता नहीं भाई रात से ही घोड़ा बेच के सो रहा है और अनुराग भी सो गए हैं। तो चाय पी के आते हैं फिर थोड़ा चलाते हैं, मैं ही चला रहा हूँ थोड़ा। आपको आगे मतलब जब पहुँचेंगे, मान लीजिए श्रीनगर पहुँचेंगे, तो एटलीस्ट जर्नी का कितना टोल लगा, कितनी दूरी है, रोड के कंडीशंस क्या हैं, इस मार्ग पर आपको क्या क्या ध्यान रखने हैं, इसके बारे में आपको बता देंगे अपना अनुभव और ये सारी जानकारियाँ। फिलहाल चाय का आनंद ले ही लेते हैं। क्यों स्थान का नाम है दसुआ, यहीं पे चाय भैया बना रहे हैं, उसका आनंद लिया जाएगा अभी। देख सकते हैं कि सबकी नींदें खुल गई हैं। तो साथियों पठानकोट लगभग 15-20 किलोमीटर बचा हुआ है, पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं सूर्यदेव निकल रहे हैं, ये अच्छी बात है, मतलब एक घंटा में धुंध वगैरह क्लियर हो जाएगा। अभी अच्छा हो गया है, हमें ये उम्मीद नहीं थी कि सूर्यदेव इतनी जल्दी निकलेंगे। 7:56 मतलब 8 बज रहा है और कुछ प्लान बन रहा है कि जम्मू चलना है कि डायरेक्ट बनिहाल चलना है कि डायरेक्ट श्रीनगर चलना है, यही प्लानिंग चल रहा है कि क्या किया जाए कौन। तो आपका स्वागत है पठानकोट में। अमृतसर यहाँ से 110 किलोमीटर, श्रीनगर 409 किलोमीटर, जम्मू 110 किलोमीटर है। यहाँ पे रुके हैं निक बेकरी में कुछ बेकरी आइटम खाने के लिए, क्योंकि अनुराग चंडीगढ़ रहता था तो सुना था कि ये काफ़ी अच्छा बेकरी है, उसने बताया। तो हम लोग यहाँ पे रुक गए हैं, पेट्रोल भरवा चुके हैं और निक बेकरी में अब बेकरी खाने जा रहे हैं इस मोटल में। अच्छा था निक बेकरी का हर एक आइटम। नाउ वी आर रेडी टू हिट द रोड फ्रॉम हियर। देख पाएंगे यहाँ पे महाराजा गुलाब सिंह, जो 1792 से लेकर 1897 तक इनका शासन था। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो हम अब जम्मू एंड कश्मीर में प्रवेश करने वाले हैं। तो चलिए किधर जाना भाई, तो कोई बताएगा कि साथियों जम्मू कश्मीर में मतलब यदि मेनली कहें तो जम्मू में जैसे इंटर करेंगे आप पंजाब से, तो इंटर करने की कुछ दूरी के बाद कठुआ आता है। कठुआ से रोड थोड़ा सा अभी वर्क इन प्रोग्रेस में है बहुत सारा, तो थोड़ा सा ट्रैफिक यहाँ स्लो हो जा रहा है। ऐसा नहीं कि ट्रैफिक है पूरा जाम है, बट हाँ आप 40-50
की रफ्तार में ट्रैफिक इन प्रोग्रेस है, मतलब ऑन गोइंग है। तो सोचा ये वाला बता दूं, क्योंकि इसके बाद हमें थोड़ा सा रोड उस हिसाब से नहीं दिख रहा है। लोगों ने कभी बीटेक में डिसाइड किया था कि जम्मू कश्मीर तब जाएंगे जब तक वहाँ पे एक बिहारियों का कॉलोनी जब तक ना बस जाए मगर फिर हाल चले जा रहे हैं, देखिए कि नहीं तो पहला बंदा कोने बस को जाना चाहिए ना। हाँ। पहला मैं जस्ट किडिंग गाइस, जस्ट मेकिंग अ ह्यूमर। साथियों इस तरह हम आगे बढ़ते रहे और आगे जाकर हम जो कल रात घटित हुआ जिसकी वजह से हमारा एक मित्र रूट कर कहें या उस परिस्थिति की वजह से उतर गया, उसके बारे में चर्चा होती है। मजेदार चर्चा है, सुनिए। सचिन को सोचो, सचिन को जो तुम्हारे बचपन का दोस्त है उसको तुम पत्थर उठा के मारने जा रहे थे, नसीब याद भी है तुमको कुछ? भाई पहले तो शुरुआत को एडवाइस दे रहा हूँ क्या? अरे भैया कंकड़ था, कुछ था, पैर से नीचे उठा रहे थे तो मारने के लिए, हमने देखा है। झूठ क्या था तो वो भी तू रिकॉर्ड कर, उसे मुंह पे बोलूंगा मैं। हाँ। बुलाने के ट्रिप खराब करोगे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ। छोड़ना है छोड़ दो, अगर उसका मन है छोड़ दो, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो लड़का गलत है, चाहे ट्रिप बर्बाद करोगे। अगर मैं कहाँ बोल रहा कि वो लड़का खराब है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि शुक्ला ही खराब हो गया बताने का, बर्बाद ही होने वाला है एकदम चीजों। तो फिर आदमी कॉल लेगा, एक होता ना कॉल लेता इंसान, ठीक है भाई कॉल ले लिया। हाँ मैंने लिया, बोल रहा एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस चीज को, शुक्ला के सामने एक्सेप्ट करूंगा मैं कि भाई मैं खराब नहीं करूंगा इस चीजों को जो है। सो एक बार आदमी कॉल लेगा ना जिंदगी में कभी ना कभी, भाई ठीक है तुम एकदम अति लेके चला गया, ये मैंने अपने अपनाया है, अच्छा ना बोलो तो गंदा है ना बोलो, भाई सही है। हाँ भाई मैं मानता हूँ, सुनो तो ये बीबी का भाई के साथ जाए आप बोल देना तो आवाज नहीं निकलेगी, क्योंकि बीबी का भाई है ना भाई वो। तो ये तो बताओ अभी जो शुक्ला बात किए उसे क्या इस बात का एहसास है क्या जो तू बोल रहे हो? क्या उसको उससे क्या उससे एहसास हो चाहे नहीं हो, नहीं हो, नहीं एहसास नहीं है तो क्या करूं? फिर कभी बैठेगा और अगर ये डिस्कशन उठाएगा, छोटा स्टनल है ये, अगर कोई डिस्कशन उठाएगा तो मैं बोलूंगा, अभी मैं बोलूंगा भाई तुम गलत थे उस दिन। तो हम उधमपुर पहुंचने वाले हैं मगर फिर भी 16 किलोमीटर की दूरी अभी बाकी है और लगभग पहाड़ नदियां झरने और ये सब नजर आने लगे हैं खूबसूरती। मौसम तो सही लग रहा है, ऐसा कोई लग नहीं रहा है कि बहुत तगड़ी बर्फबारी वगैरह टाइप हुई होगी, तो हो सकता है कि हम अपनी गाड़ी खुद ले जाए वहाँ श्रीनगर तक। आप अगर श्रीनगर जा रहे हैं तो उधमपुर को पहाड़ों के से होके गुजर के आके NH-44 ज्वाइन कर सकते हैं या NH-44 को ही पठानकोट से पकड़े रहें, इसमें थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस रहता है, तो दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। तो अभी जैसे हमें उधम नगर में जाके जब हम जो पहाड़ी वाला रास्ता लिए हैं आके हमें देखिए NH-44 पे ही मिलाया है। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि किस पे ज़्यादा जाम है, क्योंकि गूगल ने हमें वही सजेस्ट किया था इसलिए हमने वो पकड़ लिया था। उधमपुर से श्रीनगर का डिस्टेंस जानना चाहेंगे तो 186 किलोमीटर है, तो आपको यहाँ से लगभग 4 घंटे लग जाते हैं क्योंकि चेकिंग वगैरह और जवाहर टनल क्रॉस करने में थोड़ा सा ट्रैफिक होता है। तो हमें लग रहा है हम आखिरी लैप में हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल पे हम लोग प्रवेश करने वाले हैं। चेनानी नसीरी टनल वे लिमिटेड। तो साथियों हम हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के अंदर, बहुत लंबा टनल है, लगभग अब तक 3-4 किलोमीटर दूरी हमने तय कर ली है। इसमें 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है मैक्सिमम और आप ओवरटेक नहीं कर सकते। बीच में सिक्योरिटी के लिए SOS बनाए गए हैं फ़ोन करने के लिए और साथ में आप देखेंगे तो अग्निशामक यंत्र भी रखे गए हैं। आपको यह बताता चलूँ कि सावधानी से चलें और थोड़ा सा इसमें ऑक्सीजन की टाइप की कमी टाइप की बीच में होती है। हमें लगता है कि अब तक इससे पहले हमने सबसे लंबी टनल की यात्रा अटल टनल पे की है और उससे बड़ी टनल थी ये, लगभग 10-12 किलोमीटर तो एटलीस्ट होगा। हम प्रवेश करने वाले हैं दूसरे अननेम्ड टनल के अंदर।
अभी ये निर्माणाधीन ही है, पूरा अच्छी तरह फर्निश नहीं हुआ है, बट ट्रांसपोर्ट के लिए ओपन है। साथियों अब हम तीसरे टनल के अंदर हैं। लगभग जब से कंस्ट्रक्शन चालू हुआ है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस टनल से लगभग अब तक हम लोग 10-15 किलोमीटर अच्छे खासे पॉल्यूशन, मतलब कहीं ये जो कंस्ट्रक्शन धुआंधार चल रहा है उससे गुजर रहे हैं, तो सांस उस लेने में मतलब अभी तक तो अच्छी फीलिंग नहीं है ड्यू टू दिस कंस्ट्रक्शन। बाकी अभी कहीं रुकते हैं, थोड़ा सा खाते पीते हैं, तो अभी ये आपको इशू हो सकता है कि जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो आपको ये दिक्कत महसूस हो सकती है, कंस्ट्रक्शन से जो पॉल्यूशन होता है और उससे जो ट्रैफिक में थोड़ा सा दखल तो होता ही है, तो आपको ये चीज़ सहना होगा गुजरने। और साथ में आपको बताता चलूं कि जहां से श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है और बनिहाल तक ऐसा ही कंस्ट्रक्शन और ऐसा ही ट्रैफिक रहेगा, उसके बाद सही होगा। हमने यहाँ लोकल से बात की, उन्होंने ये जानकारी दी कि उसके बाद तो आप अपनी गाड़ी ले जाइए, क्योंकि यहाँ पे फिर बनिहाल में छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेन जब भी यदि रास्ता बंद होगा तो बनिहाल से लेके श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल से ही होगा, क्योंकि इसमें 3-4 टनल पड़ रहे हैं, कभी टनल बंद हो जाता है, लैंडस्लाइडिंग हो जाता है, तो ये वजह है कि लोग अपने व्हीकल से कतराते हैं। बट इतने बनिहाल तक लेते आए तब तो कोई मतलब ही नहीं है, तब तो आपको श्रीनगर अपनी गाड़ी ले जानी चाहिए, तो इसीलिए हम अपनी गाड़ी अब श्रीनगर तक ले जाएंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या कॉन्सेप्ट है, तो पहले हमने सोचा था कि श्रीनगर में अगर बर्फबारी हो गई, लैंडस्लाइडिंग हो गई, तो रास्ता बंद हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, बनिहाल से श्रीनगर की ट्रेन चलती है हर आधे एक घंटे पे, तो हम सोचे थे अगर ऐसा कुछ जाम वगैरह होगा तो हम ट्रेन से आ जाएंगे बनिहाल से और वापस ले आएंगे। बट जैसा बताए कि मेन जो जाम वगैरह बंद होना रूट वगैरह वो तो टिल बनिहाल ही होता है, तो ये जो प्लान था हमारा इसका कोई मतलब नहीं रह गया कि हम बनिहाल जाएं, वहां से ट्रेन करें, फिर जाएं और अपनी गाड़ी खड़ी करें, तो कुछ इस तरह यह था मतलब प्लान। अब श्रीनगर जा रहे हैं। एक और टनल में हम प्रवेश करने वाले हैं, ये लगभग 5वां टनल है, विकास दिख रहा है यहाँ पर, इतने सारे कार्य हो रहे हैं। आप एक टनल से निकल रहे हैं और दूसरे टनल में प्रवेश कर रहे हैं, अब विकास दुगना तेज हो चला है, एक टनल से निकलते ही दूसरा टनल, आप देख सकते हैं एक विकास पैदा हुआ नहीं कि दूसरा विकास लाइन में लग गया है। आप कश्मीर की फीलिंग आनी चालू हो रही है साथियों। साथियों रेंगते हुए ट्रैफिक से गुजरते गुजरते हम पहुंचे हैं पंपोस, काफी धूल धक्कड़ था, बस यही चल रहा है, अभी भी लगभग 100 से 120 किलोमीटर बाकी है, टोटल कितना समय लगभग 4 घंटा दिखा रहा है, तो शाम लग जाएगा, मगर हाँ इंतजार का फल शायद काफी मीठा होगा कश्मीर में जो आपको देखना है। धीरे धीरे करते करते आखिर हम बनिहाल पहुंच गए हैं, और बताते चलूं कि ये जो बनिहाल है ये वही स्थान है जहां से आपको ट्रेन मिल सकती है श्रीनगर के लिए। तो साथियों ये जो देख रहे हैं यही है बनिहाल का रेलवे स्टेशन, यहीं से ही वहां देखिए लिखा भी हुआ है बनिहाल, यहां से आप जो मैं बता रहा था कि आप कश्मीर के लिए हाँ वही श्रीनगर के लिए आपको यहां से ट्रेन मिल जाएगा, हर एक घंटे पे जाती है, 45 रुपया लगता है और लगभग 94 किलोमीटर दूरी तय करते हैं आप ट्रेन से। फिलहाल हम तय कर रहे हैं रोड से, और बनिहाल से रोड की कंडीशन काफ़ी अच्छी लग रही है, 2-way रोड हो गया है 4 लेन, सो
होपिंग इट्स विल बी अ कवर लॉट ऑफ पार्ट्स टिल श्रीनगर। यहाँ से निकलते ही हमें मिला टोल प्लाजा। यदि ऐसा रोड रहे श्रीनगर तक तो टोल बहुत सहर्ष बहुत खुशी से हम इन्हें देंगे। ये NHI का ही टोल है। एक और टनल में हम हाँ प्रवेश कर रहे हैं। काफी यूनिक अलग लग रहा है ये। छोटी लाइन नहीं है बे, बड़ी लाइन है ये, बड़ी लाइन। यहाँ से उरी है 149 किलोमीटर, सोनमर्ग है 132 किलोमीटर। एग्जिट टोल NH44 का श्रीनगर में साथियों बहुत चले हैं। अभी भी लगभग 40 किलोमीटर बाकी है श्रीनगर यहाँ से। साथियों हम लगभग श्रीनगर के नगर में प्रवेश कर चले हैं और इधर झेलम का भी है और एक थोड़ा सा एक्सीडेंट भी होगी अल्टो 800 से, बट आपसी समझौता से सब कुछ सही रहा। उन्होंने बोला आप मेहमान हैं वगैरह वगैरह, ऐसे करके बहुत प्यार से बातचीत हो गया, ख़त्म हो गया। साथियों हम कश्मीर के बहुत सुप्रसिद्ध चौक लाल चौक के एरिया में अभी घूम रहे हैं और देख रहे हैं यहाँ के मॉल रोड होटल्स वगैरह और यहाँ की चकाचौंध। काफ़ी बड़ी सिटी है यार, हमारा तो आके यही से चौधिया रहा कि हमने सोचा था क्या निकलेगा कश्मीर, क्या निकला। हाँ वी हैव थॉट दैट कि देयर वुड बी अ वेरी माउंटेन काइंड ऑफ एरिया, बट नथुस भी है 60-70 किलोमीटर। वी हैव ट्रेवल्ड इन अ प्लेन रोड। हम चल रहे हैं जम्मू कश्मीर के राजधानी श्रीनगर में और लाल चौक की तरफ बढ़ रहे हैं। आसपास का एरिया देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पर पूरा एकदम शॉप्स हैं, दुकानें हैं, हर तरह की बाटा से लेकर सारे आधुनिक मैंने जितने भी आप शोरूम दिल्ली में सोच सकते हैं वो सारे कंपनियों के यहाँ पे हैं, रिटेल शॉप सारे हैं। अभी देखिए होटल वगैरह ढूंढा जा रहा है, होटल ढूंढ के फिर आराम वगैरह करेंगे, फिर देखेंगे आज शाम को कहाँ पे थोड़ा यदि घूम पाए तो श्रीनगर के एरिया को। तो साथियों 1500 में ये रूम मिला है श्रीनगर में। पहले थोड़ा आराम किया जाएगा फिर देखा जाएगा घूमने घामने का। गीजर है और हीटर ये देंगे, थर्ड फ्लोर पे है तो पहले थोड़ा आराम किया जाए। तो कल सोचिए रात हम लोग 10 बजे से निकले हैं दिल्ली से, आज पहुंचे हैं 6 बजे तो कूल। साथियों जितनी अभी हमारी समझ है उस समझ के अनुसार आपको बताना चाहूँगा कि अगर फॉग में आप गाड़ी चला रहे हैं तो कौन सी बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। पहली बात जो मुझे समझ में आती है, अगर जिस रोड पे आप चलाने जा रहे हैं और इसी तरह जैसा आपको फॉग दिखाई दे रहा है लगभग 20-25-30 मीटर के बाद चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं, तो अगर वो स्ट्रेट हाईवे है और टू वे रोड है
तब आप मैं आपको सलाह दूंगा कि ठीक है फॉग में आप पहली बात तो चलाएं, क्योंकि अगर रोड में काफी सारे मुड़ाव हैं तब आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यदि रोड में बहुत सारे कट है, बहुत सारे मोड़ हैं, तो कई गाड़ियां इधर से उधर आएंगी और बहुत अधिक चांस है कि आपको बहुत अच्छी खासी दिक्कत हो सकती है। दूसरा जो मुझे समझ में आता है फॉग में, ये जो व्हाइट लाइंस बनी रहती हैं ये वरदान है, और मुझे लगता है और जैसा मैं देख भी रहा हूँ, आप मिडिल वाला मतलब एक टायर रोड के इस तरफ, एक टायर एक तरफ, मतलब एक तरह से जो मिडिल में ब्रोकन लाइंस रहती हैं वाइट के, उस पे चलाते रहे, उससे थोड़ा सुरक्षा रहता है कि कहीं आप गलती से किसी साइड टकरा ना जाए। तीसरा बहुत बड़ी सेफ्टी रहती है कि किसी को कवच बना ले, मान लीजिए कि कोई गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, ट्रक्स या बस है, तो उनको दूर तक दिखाई दे जाता है क्योंकि वो ऊपर बैठे रहते हैं, तो उनके पीछे धीरे धीरे चलते रहें, और एक समुचित मेरे को लगता है कि आपको 70 मीटर का डिस्टेंस एटलीस्ट रखना चाहिए, ताकि समय पे आप उचित प्रतिक्रिया ले सके अपने गाड़ी के साथ। फिर बोलेंगे, आपने देखा होगा कि फॉग में या रेन में वैसे वाले कम विजिबिलिटी वाले सिचुएशन में भारत में सब ब्लिंकर जला देते हैं, पार्किंग लाइट इसको बोलते हैं या हैजार्ड लाइट इसको बोलते हैं। देखिए, ये तभी करें आप जब हाईवे स्ट्रेट है और आप स्ट्रेट चल रहे हैं, तब इसका मतलब है कि आप ये बताना चाह रहे हैं दूसरी गाड़ी को, अपना एक इंडिकेशन देना चाह रहे हैं कि मैं यहाँ पे हूँ। और अगर मैं बोला कि ज़्यादा मोड़ है, ज़्यादा आप टर्न लेने वाले रोड पे हैं, तब ये घातक हो जाएगा, क्योंकि आप लेफ्ट और राइट इंडिकेटर दे दिए हैजार्ड लाइट के साथ, पीछे वाले ड्राइवर को पता नहीं चलेगा कि आप लेफ्ट या राइट मुड़ने वाले हैं। तो इसका उपयोग तभी करें जब किसी स्टेट हाईवे पर आपको सीधे ही चलना है। और स्पीड, देखिए स्पीड मुझे लगता है कि जैसा रोड है उसके कंडीशन के अनुसार रखें, जैसे हम लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से धीरे धीरे चल रहे हैं, क्योंकि ये है फुल फ्लेज्ड हाईवे ही है, टू वे हाईवे है, मतलब फोर लेन हाईवे है, तो यही अभी तक पूरे रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं। और अधिक धुंध में देखिए हाई बीम का कोई मतलब तो होता नहीं है, क्योंकि रोशनी फैल जाती है, जैसे ही आपको धुंध में पड़ेगी फैल जाएगी, इससे बेटर है कि आप लो बीम रखें अपने गाड़ी का, और फॉग लाइट है तो ऑब्वियसली वो हेल्प करता है, नीचे से थोड़ा मारता है तो एटलीस्ट वो थोड़ी सी विजिबिलिटी तो पैदा करता है जमीन मतलब के स्तर से, तो फॉग लाइट है तो ऑब्वियसली फॉग लाइट ऑन कर ही लें, इसी पर्पस के लिए होता ही है वो। तो टोटल इतनी बातें जो मुझे समझ में आती है कि अगर फॉग में आपको चलाना है तो क्या रखनी चाहिए सावधानियाँ, और सबसे बड़ी चीज़ कि हाईली अटेंटिव रहें, हाईली अटेंटिव मतलब किसी भी यदि निद्रा या कोई वैसी अवस्था है तो रिस्क ना ले, खड़ा करिए आराम से सो लें, क्योंकि हमने खड़ा कर लिया, हमने थोड़ा देर सो लिया, बाकी सब सो रहे हैं, इसलिए मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ। चलिए आगे मिलते हैं, क्योंकि यात्रा के बाद यात्रा का जो अनुभव रहे वह भी आपके साथ साझा करना बनता है। अभी हम हैं लगभग यहाँ से पठानकोट 70 किलोमीटर होगा, मतलब लगभग हम 20-30 किलोमीटर तय कर चुके हैं जो शहर आया था जालंधर उससे।